बोलना तो पड़ेगा। आइए आज हम फिर आपको उदयपुर पुलिस के एक अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप सोचेंगे कि जब एक पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित होता है या इंसाफ की उम्मीद में कोई व्यक्ति जब पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करवाता है तो वहां किस प्रकार पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जाता है। यह मुद्दा एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने सोसाइटी के मेंबर्स के खिलाफ एक 420-406 के तहत FIR पुलिस थाना भोपालपुरा में दर्ज कराई। पुलिस थाना भोपालपुरा में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस अनुसंधान अधिकारी जो पुलिस थाना भोपालपुरा के हेड कांस्टेबल साहब है, उन्होंने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल कर दी और क्लोजर रिपोर्ट के अंदर उन्होंने क्या अंकित किया मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अनुसंधान अधिकारी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में लिखा कि समग्र अनुसंधान एवं एकत्रित साक्ष्य से पाया जाता है कि प्रार्थी और अप्रार्थी के मध्य रुपयों का लेन देन हुआ और इसके बदले अप्रार्थी ने प्रार्थी को चेक दिया और उसने चूंकि कोर्ट में 138 NI Act का मुकदमा कर रखा है, ऐसी अवस्था के अंदर यह मामला आपसी लेन देन का पाया जाता है और सिविल नेचर बता के इस मामले में भोपालपुरा के पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा FIR प्रस्तुत कर दी गई और केस को क्लोज कर दिया गया। जब इस मामले में केस की सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त की गई तो जब ये चीजें पढ़ी तो निश्चित रूप से अनुसंधान अधिकारी पर सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने आखिर किस तरह अनुसंधान किया, क्योंकि उन्होंने FIR को पढ़ा ही नहीं। उन्होंने अनुसंधान के इस रिपोर्ट में लिखा कि समग्र अनुसंधान एवं एकत्रित साक्ष्य से पाया, लेकिन अनुसंधान अधिकारी महोदय भूल गए कि FIR क्या कटी है। पीड़ित ने या उस परिवादिया सोसाइटी के जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, उन्होंने अपने 161 में क्या बयान दिए। एक्चुअली FIR क्या दर्ज हुई थी कि किसी व्यक्ति ने सोसाइटी से लोन लिया और उस लोन को चुकाने के लिए गारंटर ने अपना चेक दिया जो बाउंस हो गया, गारंटर ने सोसाइटी के साथ धोखाधड़ी कारित की। पूरी की पूरी FIR में ये बात कहीं भी नहीं लिखी थी कि अप्रार्थी और प्रार्थी के मध्य रुपयों का लेन देन था, लेकिन दुर्भाग्य ये कि अनुसंधान अधिकारी को इतनी जल्दी थी FIR पेश करने की, शायद वो विपक्षी अप्रार्थी के प्रभाव में आ गए, शायद वह अनुसंधान को समझ ही नहीं पाए, शायद वह FIR में लिखे प्रतिभू शब्द का मतलब ही नहीं समझ पाए और उनको इतनी जल्दबाजी थी कि इस मैटर में इन्होंने ये लिख के न्यायालय में क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि प्रार्थी और अप्रार्थी के बीच रुपयों का लेन देन है। लेकिन FIR में पुलिस के बयानों में स्पष्ट रूप से परिवादी द्वारा बताया गया था कि सामने वाला व्यक्ति गारंटर है और गारंटर के रूप में उसने चेक दिया है, तो सोचा जा सकता है कि ऐसे अनुसंधान अधिकारी जिनको FIR के कंटेंट्स की जानकारी नहीं है, FIR में क्या लिखा है उनको पता ही नहीं है, उनको प्रतिभू शब्द का अर्थ मालूम नहीं है और वह अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हैं, लेकिन बात यह आती है कि ये क्लोजर रिपोर्ट पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास जाती है स्वीकृत होने के लिए और पुलिस के उच्च अधिकारी भी पेन उठा के बिना अनुसंधान को देखे अपने हस्ताक्षर करके FIR को स्वीकृत कर देते हैं। अगर इस तरह के अनुसंधान अधिकारी उदयपुर में मौजूद रहेंगे, इस तरह का वह अनुसंधान करेंगे तो मिल गया इंसाफ लोगों को। बोलना तो पड़ेगा, जहां गलत होगा वहां आवाज बुलंद करनी होगी। साथ ही एक बात और कि किसी व्यक्ति का यदि चेक बाउंस होता है और उसका मैनिफेस्ट इंटेंशन है
कि वह धोखाधड़ी और छल ही करना चाहता है, ऐसी अवस्था के अंदर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होती है, 138 की कार्रवाई चेक अनादरण की भी चलेगी और 420-406 के तहत भी अभियोग चलाया जा सकता है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का रिपोर्टेबल जजमेंट है और कई उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अपने निर्णय दे चुके हैं कि यदि किसी व्यक्ति का इंटेंशन धोखाधड़ी और छल करने का है तो ऐसी अवस्था के अंदर 420-406 का जो मामला है वो चलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि संगीता बेन महेंद्र भाई पटेल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को पूरी तरीके से क्लियर किया गया है और इस मामले में परिवादी ने माननीय उच्चतम न्यायालय की नजीर भी पुलिस अनुसंधान अधिकारी को दी पर उन्होंने उसे शामिल पत्रावली नहीं किया। पुलिस द्वारा न 41A के नोटिस दिए गए, न 91 जाप्ता फौजदारी के नोटिस जो विपक्षी है अपराधी है उसको दिए गए, बस मात्र विपक्षी के प्रभाव में अपराधी के प्रभाव में आकर बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए इस आधार पर एफआईआर रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी और अपराधी के बीच मध्य लेन देन था जबकि लेन देन था ही नहीं। तो क्या अनुसंधान किया, धन्य है ऐसे पुलिस के अनुसंधान अधिकारी, बारंबार प्रणाम है ऐसे पुलिस अनुसंधान अधिकारी को जो उदयपुर पुलिस की जगहसाई का काम करते हैं। और दूसरी बात, केवल 138 फाइल होने की बहस के आधार पर किसी भी मामले में आप एफआईआर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, इसमें आपको ब्रीफ इन्वेस्टिगेशन करना था जो कि आपने नहीं किया। उदयपुर पुलिस के अनुसंधान अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे तमाम अनुसंधान जो हमारे सामने आते हैं जहां पर दस्तावेजी साक्ष हमारे पास मौजूद होंगे, जहां बोलने लायक बात होगी तो बोलना तो पड़ेगा कि तर्ज पे हमारे द्वारा आम जनता के सामने इस तरीके की बात लाई जाएगी ताकि उदयपुर में कोई और अनुसंधान अधिकारी इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करने से पहले हजार बार सोचे कि हमारी रिपोर्ट को पढ़ा भी जाता है और यदि उस पर संज्ञान लिया जाता है तो हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, हमसे भी जवाब तलब किए जा सकते हैं और माननीय न्यायालय के आदेश पर पुलिस उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट करते हुए पुलिस अनुसंधान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और ऐसे मेलाफाइड इन्वेस्टिगेशन के मैटर में, ऐसे दूषित और अनुचित अनुसंधान के मैटर में परिवादी द्वारा 166A आईपीसी के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है और ऐसे दोषी अनुसंधान अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है। मेरा तमाम मेरे फॉलोअर्स से, मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स से यह निवेदन है, इस प्रकार के वीडियो जो हमारे होते हैं जो बोलना तो पड़ेगा सीरीज के हैं, इसको अधिक से अधिक हर ग्रुप में शेयर करें ताकि हर पुलिस अनुसंधान अधिकारी अनुसंधान करने से पहले ये सोचे कि कहीं हमारे अनुसंधान का भी पोस्टमार्टम इसी तरह तो नहीं होगा। धन्यवाद, बने रहे, बहुत जल्दी एक और अनुसंधान अधिकारी महोदय के बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान और उनकी खामियों को लेकर हम जल्द हाजिर होंगे अपने चैनल पर।